नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूँ शेफाली और इस वीडियो में मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। टॉपिक ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के क्या फायदे हैं, तो वो 7 से 8 फायदे मैं आप सभी से शेयर करूंगी। क्या जॉब ऑप्शन आपके पास में है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आपको अपना करियर एकेडमिक्स में नहीं बनाना है, यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है बट अगर आप अपना करियर हायर लर्निंग में नहीं बनाना चाहते हैं, आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है। अगर आपको में भी नहीं जाना है, कुछ क्रिएटिव पार्ट आप करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो क्या आपके पास में ऑप्शन है। अगर आपको ये सब भी नहीं करना है और आपको सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है यानी कि आपको बिजनेस में जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, सारी चीजों के बारे में इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा और सभी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंचे, सभी इंफॉर्मेटिव जो भी आपके लिए वैकेंसीज निकल रही, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी चीजें मैं आपको बता सकूं समय समय पर, तो जरूर से ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या बेनिफिट है नेट और जेआरएफ को करने का। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, जो कि आप सभी जानते हैं, कि आपको अगर पीएचडी करना है इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, तो आपके पास में आज के डेट में नेट होना चाहिए। यूजीसी के नए प्रोविजन के अकॉर्डिंगली उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी कराती है या जो इंस्टीट्यूट कराती है उसको बंद कर दिया है। पहले 60-40 रेशियो था बट अभी इस बार से, यानी कि 2024 से अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। नेट का जो रिजल्ट होता है, नेट जब आप क्वालिफाई करते हैं या नेट का जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद ये तय हो जाता है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, आप नेट के लिए एलिजिबल हो, या आप नेट प्लस जेआरएफ और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी के स्कोर के बेसिस पे आप आगे पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी, रिसर्च प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेना है तो आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर आपको फेलोशिप मिलती है, यानी कि अगर आप नेट के साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो नेट और जेआरएफ में सिर्फ ऑफ मेरिट का अंतर होता है। नेट की मेरिट थोड़ी सी कम जाती है, जेआरएफ की मेरिट 2-3% ज्यादा जाती है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। 84 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन यूजीसी कंडक्ट कराती है, तो हर सब्जेक्ट की मेरिट जो है वो अलग अलग बनती है। तो कोई सिलेबस अलग नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, बस मेरिट का खेल है, 2-3% कम ज्यादा का फर्क है। तो अगर आपको फेलोशिप मिल जाती है यानी कि जेआरएफ मिल जाती है, तो आपका पीएचडी करना, यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था, वो करना आसान हो जाता है क्योंकि यूजीसी आपको ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है, 37,000 रुपीस देती है पर मंथ। उसके साथ में कुछ कॉन्टिजेंसी फंड भी देती है और वन टाइम कुछ आपको पैसे मिलते हैं। टोटल आपका कुछ अलाउंसेस वगैरह मिला ले तो 40,000 से 42,000 रुपए के आसपास आपको 2 साल तक के लिए मिलता है। 2 साल सक्सेसफुल अगर आपने अपना फेलोशिप ले लिया और आपने पीएचडी 2 साल सक्सेसफुली कर ली, और तो आपका प्रमोशन हो जाता है एसआरएफ में, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। वहां जो अमाउंट होता है वो आपका 42,000 हो जाता है, प्लस कुछ अलाउंसेस उसमें ऐड हो जाते हैं, प्लस उसमें कुछ डीएस वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिला के 46-47,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलते हैं। बट ये पैसे आपको उड़ाने के लिए नहीं मिलते, वैसे आपको खर्च करने के लिए नहीं मिलते, मतलब पर्सनल खर्च करने के लिए नहीं मिलते। ऑब्वियसली आप पीएचडी में आपने एनरोलमेंट लिया है, रिसर्च आप कर रहे हैं, इसलिए मिलते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं लेते हैं तो भी घर बैठे बैठे आपको ये पैसे मिलेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप अपने आपको किसी रिसर्च प्रोग्राम में पीएचडी में एनरोलमेंट दिलाते हो। दो ये चीज हो गई कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपका नेट क्वालिफाई हो गया, अब आपको पीएचडी नहीं करना है। जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, सिर्फ मेरे ख्याल से 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो कि नेट करते हैं पीएचडी के लिए। बेसिकली लोग नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि उनके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब जो है वो सिक्योर हो जाए, है ना। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और साथ में पीएचडी भी कर रहे हैं, या कुछ लोगों का ऐसा टारगेट है कि नहीं मुझे सिर्फ पीएचडी करना है, आगे रिसर्च करना है, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डॉक्टर की उपाधि चाहिए। तो ऐसे एक बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, जो जरूरी भी है। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, यानी कि जॉब की मैं बात कर रही हूँ, एकेडमिक्स जॉब में जाना है, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास पे। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। आपका एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाता है तो उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां पर भी वैकेंसीज निकल रही है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप चाहे तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यानी कि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे, असिस्टेंट
प्रोफेसर को सपोर्ट करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन के कोऑर्डिनेटर बनने के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई अगर ऑनगोइंग गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है या किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई भी रिसर्चर का या किसी भी प्रोफेसर का अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उनको सपोर्ट चाहिए, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजों की डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कहां कहां पे मिलती है। इसके अलावा अगर आपको अपना करियर एकेडमिक्स में नहीं बनाना है, मतलब हायर लर्निंग में नहीं जाना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको पढ़ाई और नहीं करनी है बेसिकली, तो आप क्या करें, तो आपके लिए बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे हम बोलते हैं PSUs में ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऐसे PSUs हैं, महारत्न कंपनीज हैं आपके देश में जो कि UGC नेट के स्कोर के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन लेती है। जिन विद्यार्थियों के पास में UGC नेट का स्कोर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उन विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। PSUs में जॉब के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती है समय समय पर, तो आपको ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। मेरे पास लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो उस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगी। तो सबसे पहली जो PSU है वो है THDC इंडिया लिमिटेड, आप इसको कहीं लिख भी सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी ये। दूसरी है PGCIL, तीसरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसे आप IOCL के नाम से जानते हैं, तीसरा है भेल जिसे आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, पांचवा है NTPC, छठा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सातवां है नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी NMRL, सातवां है ONGC, आठवां है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये अलग है, HPCL OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि UGC नेट के स्कोर के बेसिस पे आप सभी का सिलेक्शन लेती हैं, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना है। हाँ, ये सारी जो वैकेंसी होती है हर 6-6 महीने पे नहीं निकलती है, साल में एक बार निकलती है, बट आपके पास में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आप 2024 में कौन सी वैकेंसीज हैं, 2025 में कौन सी आने वाली है। तो देखिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्टेंट बन रहे हैं, क्या कंटेंट आपको लेना है, क्या कंटेंट आपको छोड़ना है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि सबको यूट्यूब पे आकर के बहुत सारी चीजें बोल रहा है, बहुत सारी बातें बोल रहा है, हर चीज आपके काम का नहीं है, आपके जो काम का है वो चीज आपको लेनी है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना है, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे क्रिएटर्स बहुत सारे हैं आज के टाइम पे, फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि किसका ज्ञान आपको काम आ रहा है, या किसी का भी ज्ञान अगर आपको काम नहीं आ रहा तो आपका खुद का ज्ञान आपके लिए काम आना चाहिए इन दैट केस, फॉर दैट मैटर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट लेट्स कम टू द टॉपिक कि अगर आपको एकेडमिक्स में भी नहीं जाना है, PSUs में भी नहीं जाना है, तो आपके लिए तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में क्रिएटिव जॉब्स का। अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती है, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कहाँ निकलती है मैं लास्ट में बताऊंगी, जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑथरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लिरिसिस्ट बन सकते हैं, लिरिसिस्ट मतलब जो कि शब्द को लिखने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने साहित्य से पढ़ाई की है, जिन्होंने आर्ट से किया हुआ है, जिन्होंने कुछ लिटरेचर वाली स्टडी की है, वो लिरिसिस्ट बन सकते हैं, वो ऑथर जो है वो बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर आप बन सकते हैं इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर, ऑब्वियसली आप एडिटर बन सकते हैं, आप कॉन्टेंट राइटर बन सकते हैं, साथ में आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे और भी आपके क्रिएटिव जॉब्स के लिए ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये काम आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है। अब हमने ये जान लिया कि PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं, दूसरा तीसरा एकेडमिक्स में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है, चौथा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कौन कौन से ऑप्शन है, पांचवा आपने समझ लिया क्रिएटिव जॉब्स क्या क्या है, अब छठा ये समझ लीजिए जो कि मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे नए नए लोग भी आ रहे हैं आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उनका एग्जाम्पल्स आप लेकर के उनको अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एडुकेटर बन सकते हैं, और ऑनलाइन एडुकेटर बनने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहें मेरे साथ जुड़ना तो आप डेफिनेटली मेरे भी साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा अगला सत्र स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स को लाने वाले हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ भी जुड़ करके आप ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडुकेटर आप बन सकते हैं। सातवां चीज़ ये है कि आप खुद का अपना टीचिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, और YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने चैनल बना सकते हैं और बेसिकली एडुप्रेन्योर आप बन सकते हैं, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर का भी एक स्टेप और आगे, मतलब अभी तक तो आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन ये वो, अभी आप एडुप्रेन्योर का जमाना है, तो आप एडुकेशनल में भी आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप ला सकते हैं, उद्यम बन सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। आठवां ये है कि आप UGC नेट के एकेडमिक पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल को जाके आपको अपडेट कर देना है,
यूजीसी, आई रिपीट माई डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि यूजीसी नेट के अकेडमिक पोर्टल पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी क्वालिफाई किया है, जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, इसमें से कुछ भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको यूजीसी नेट अकेडमिक पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर करना है और अपनी कुछ जो वो डिटेल्स मांगेंगे वो डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर देनी है। जॉब की एक लिस्ट अपेयर होगी, अगर किसी आपको कोई जॉब सुटेबल लगती है तो आप वहाँ पर अप्लाई करिए। तो अब ये समझ लेते हैं कि सारी चीजें आपके पास में ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आप खुद से कैसे सर्च कर सकते हैं। तो तीन में आपको ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सोर्स बताने वाली हूँ जहां पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। नंबर वन इज इंडीड पोर्टल, indeed.com। ये वेबसाइट आपको गूगल पे जैसे आप डालेंगे मिल जाएगी, जो पहली वेबसाइट होगी उस पर आपको एंटर करना है। आप एक बार डालोगे ना यूजीसी नेट जेआरएफ, तो यूजीसी नेट जेआरएफ में पैन इंडिया पूरे देश में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट के लिए ओपनिंग्स है, वो आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है समय मत वेस्ट करिए, समय बहुत कीमती है, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, सबके लिए समय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो indeed.com एक अच्छा पोर्टल है। मेरी फर्स्ट जो जॉब लगी थी वो indeed.com से ही लगी थी, तो एक रिलायबल पोर्टल है, आप यहाँ से जो है रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है naukri.com पोर्टल, ये भी बहुत अच्छा पोर्टल है जिसपे कि अगर आप यूजीसी नेट पे क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल है पैन इंडिया, ये आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा है फ्री गवर्नमेंट जॉब पोर्टल, यस फ्री गवर्नमेंट जॉब पोर्टल में आपको जाना है, टीचिंग के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको बहुत सारे यूजीसी नेट और पीएचडी और जो है जेआरएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे कहाँ कहाँ वैकेंसीज कौन से कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में है वो आपको पता चल जाएगा बेसिकली। अगर आपको ये सब भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे बस कहीं से शुरू करना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है आपके लिए, जैसा YouTube का तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, कुछ नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री है, बस आपको चैनल क्रिएट करना है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप सीख लेंगे। बहुत सारे मतलब अथाह वीडियो पड़े हुए हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, जहाँ से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। तो लास्ट, अगर आपको ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने नियर बाय कोई भी देख लीजिए कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज इस कॉलेज में आप जा सकते हैं जो आपके नियर बाय है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करिए। नेट के बेसिस पे आपको कोई भी हंसते खेलते ले लेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट में जो आपको जिससे सैलरी मिलती है 60,000-65,000 वैसे आपको मिलेगी, बट 20-25,000 रुपये एक अच्छा स्टार्ट आपको मिल जाएगा। आपके माथे से जो फ्रेशर का जो लेबल है ना वो हट जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने माथे से फ्रेशर का जो लेबल है वो हटाना, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई टाइम है आप अपने लिए सोचे। रिजल्ट्स आप सभी के आने वाले हैं और रिजल्ट के पहले आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा एक सिंगल वीडियो है जहां पे आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए गए हो, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, मैंने सब देख लिया, मैंने छान मार लिया, कहीं नहीं है। ये एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो थी, बहुत ही नीडेड वीडियो थी, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब मिले, आप की फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी है वो सिक्योर हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो जाते जाते एक लाइक करके जरूर से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, साथ में यूजीसी नेट की तैयारी पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स की मैं खुद आप सभी को कराती हूँ, कंप्लीट गाइडेंस देती हूँ, ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, डेमो सेशंस आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बहुत सारे हमारे फ्री सेशंस चलते हैं, फ्री क्विजेज मैं आप लोगों को देती हूँ। तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन होकर के अपनी नेक्स्ट सेशन की यानी कि दिसंबर सेशन की, दिसंबर 2024 की या जून 2025 की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, बेझिझक अपने डाउट्स को आप जरूर से लिखिएगा। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आप इस वक्त सोच रहे हैं, वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके राइटिंग के लिए, आपके कमेंट के लिए ओपन है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, नमस्कार, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नई रिसर्च के साथ में, और सीखेंगे कुछ नए पहलू, नई लर्निंग्स करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।